हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, जब से फ्लाइट से पाबंदी हटी है, इंडिया से कई सारे देशों ने फ्लाइट से पाबंदी हटाई है, तब से नियम और शर्तों के साथ में फ्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं। कम संख्या में फ्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट के टिकट बहुत महंगे हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें इंडिया से कुवैत फ्लाइट की, तो इंडिया से कुवैत के लिए फ़्लाइट के टिकट बहुत महंगी है। 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000 ऐसे करके टिकट इस समय मिल रहे हैं। लेकिन वो लोग जो लोग अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, फ़्लाइट के टिकट कम होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके लिए फ़्लाइट के टिकट कब सस्ती हो सकती है, कब उसका फेयर डाउन हो सकता है, तो वो मैं आज चेक कर लेता हूं दोस्तों और आपको बताता हूं कि फ़्लाइट के टिकट कब से सस्ती हो सकती है दिल्ली से कुवैत के लिए, इसके अलावा मुंबई से कुवैत के लिए। तो बहरहाल मैं पहले दिल्ली से चेक करता हूं कि अभी लेटेस्ट 15 दिन के अंदर का क्या फेयर है और उसके बाद का फेयर क्या है। तो पहले दिल्ली से मैं चेक करता हूं, दिल्ली और कुवैत का मैं फेयर चेक कर लेता हूं कि अभी 15 दिन के अंदर अगर आपको ट्रेवल करना है तो क्या टिकट का प्राइस होगा दिल्ली से कुवैत के लिए। तो ये मैं दिल्ली से कुवैत के लिए चेक करता हूं। तो 5 अक्टूबर का मैंने चेक किया है, तो जजीरा एयरलाइंस की जो फेयर आ रहा है वो 1,44,000 रुपये आ रहा है। ये दिल्ली एयरपोर्ट से चेक कर रहा हूँ मैं 5 अक्टूबर के लिए, ये डायरेक्ट फ़्लाइट होगी। बाकी और कुछ और फ़्लाइटें वो महंगी हैं, तो अभी जो 5 अक्टूबर के लिए फ़्लाइट आ रही है वो 1,44,000 आ रही है। अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कि आगे के डेट में क्या हो सकता है, कुछ और कम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, अगर मैं इसको सर्च करता हूँ 12 अक्टूबर के लिए कि 12 अक्टूबर का फेयर अभी क्या है दिल्ली से कुवैत के लिए, तो वो भी मैं देख लेता हूँ कि 12 अक्टूबर को कुछ कम हो रहा है। ये 12 अक्टूबर का जो फेयर आ रहा है यही सेम एयरलाइन से जजीरा एयरवेज, वो 1,28,000 आ रहा है। ये भी डायरेक्ट फ़्लाइट होगी दिल्ली से कुवैत के लिए। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो क्या कुछ और कम हो सकता है, तो वो भी मैं देखता हूँ। 1,28,000 12 अक्टूबर तक आ रहा है। अगर मैं 20 के बाद चलता हूँ कि 20 अक्टूबर के बाद क्या और कुछ कम हो सकता है, तो 20 अक्टूबर के बाद का फेयर चेक करते हैं कि 20 अक्टूबर के बाद, चलिए 22 अक्टूबर में तो कुछ नहीं शो कर रहा है। 23 में मैं देख लेता हूँ कि 23 अक्टूबर में भी दिल्ली कुवैत का फेयर क्या है, क्योंकि फ़्लाइटें कम संख्या में ऑपरेट हो रही हैं। जी हाँ, अगर आप 20 अक्टूबर के बाद ट्रेवल करने का फ़ैसला करते हैं तो आपको कुछ सस्ते दाम में टिकट मिल सकता है। ये एयर अरबिया की फ़्लाइट है जो कुछ हद तक सस्ती है, ये 78,000 रुपये की आ रही है, जो वाया शारजा होकर जाएगी कुवैत, तो इससे भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। अगर 20 अक्टूबर के बाद आप ट्रेवल करेंगे तो ये एयर अरबिया की फ़्लाइट आपको कुछ कम दाम में मिलेगी। लेकिन अगर मैं अगले महीने की चेक करूं कि क्या नवंबर में कुछ कम हो सकते हैं फेयर या नहीं हो सकते, तो नवंबर का भी देख लिया जाए दिल्ली से कुवैत के लिए। तो बहरहाल अक्टूबर हो गया, अब मैं नवंबर चेक कर लेता हूं कि नवंबर में क्या कुछ हो सकता है आपके लिए। चलिए नवंबर की शुरुआत में चेक करता हूं मैं, 4 नवंबर में क्या कुछ हो सकता है। ये आपको मिल रही है कतर एयरवेज, ये 63,000 की मिलेगी, यानी कुछ हद तक सस्ती होगी नवंबर में जब चलेंगे। लेकिन ये दिल्ली का फेयर है, और मुंबई का चेक कर लेते हैं। हालांकि मुंबई से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, मुंबई का लगभग सेम फेयर ही आना चाहिए। तो मैं मुंबई से कुवैत चेक कर लेता हूँ कि मुंबई कुवैत अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है। तो चलिए पहले मैं शुरुआत में चेक करता हूँ, शुरुआत अक्टूबर फर्स्ट वीक चेक करते हैं। चलिए इसको मैं 6 अक्टूबर कर लेता हूँ मुंबई कुवैत के लिए। तो मुंबई कुवैत के लिए अगर 6 अक्टूबर में आप ट्रेवल करते हैं तो ये एयर अरबिया की फ़्लाइट होगी वाया शारजा से, ये 98,000 के आसपास का फेयर इसका है। अगर और किसी डेट में मैं चेक करता हूँ अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही, थोड़ा और पहले चेक करता हूँ मैं, तो क्या कुछ और क्या फेयर उसका होगा। चलिए मैं 5 अक्टूबर चेक कर लेता हूँ। अगर मैं 5 अक्टूबर में चेक करता हूँ मुंबई से कुवैत के लिए, तो ये काफ़ी कास्टली आएगी, इसको नहीं उठाने वाला। और मैं देख रहा हूँ अक्टूबर थोड़ा मैं 15 के बाद अगर चल रहा हूँ, 15 के बाद चलिए 16 में चलते हैं। 16 अक्टूबर अगर मैं चेक करता हूँ इसका फेयर, तो 16 अक्टूबर में एयर अरबिया की फ़्लाइट जो मिल रही है वो 77,000 के आसपास मिल रही है। चलिए अब नवंबर का चेक करते हैं कि नवंबर में मुंबई से कुवैत के लिए क्या फेयर है। तो मैं 10 नवंबर का चेक करता हूँ कि अगर मैं 10 नवंबर में ट्रेवल करने का फ़ैसला करता हूँ मुंबई से कुवैत के लिए, तो अभी 10 नवंबर में क्या फेयर आएगा, तो चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों 10 नवंबर का जो फेयर आ रहा है वो कुछ हद तक पहले से बेहतर है, यानी अक्टूबर से बेहतर आ रहा है। ये 51,000 का फेयर आ रहा है, 51,726 रुपये का ये फेयर है अगर 10 नवंबर में ट्रेवल करने का फ़ैसला करते हैं। ओमान एयर की दोस्तों ये फ़्लाइट होगी, सुबह 10:30 की फ़्लाइट होगी और कुवैत पहुंचेंगे शाम को 3:35 पर, वाया मस्कत होगी, मस्कत में एक स्टाफ होगा। तो अगर आप नवंबर में ट्रेवल करेंगे
तो 50,000 के आसपास ट्रोल करेंगे। बाकी अक्टूबर में 50,000 के आसपास कोई टिकट नहीं है, 78,000, 92,000 ऐसे करके टिकट हैं। नवंबर में 50,000 के आसपास टिकट है। लेकिन अगर जब एयरपोर्ट की तरफ से यानी कुवैत एयरपोर्ट की तरफ से कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी और एयरलाइंस ऑपरेट होंगी तो फिर फ्लाइट के टिकट कम होने शुरू होंगे। बहरहाल अभी यही कुछ फेयर आ रहा है, आगे कोई अपडेट होगी दोस्तों फ्लाइट और ट्रेवल्स को लेकर, टिकट को लेकर, या इसके अलावा और कोई अपडेट होगी जो आपके काम की होगी तो वो आप तक पहुँचाई जाएगी। इसके लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।